Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Surat School, Rewari. Today we will discuss the next topic, hysteresis curve from third unit, magnetic effects of current and magnetism of last chapter, classification of magnetic materials. What is hysteresis? First question comes in our mind is hysteresis. कि hysteresis है क्या basically? तो अगर इसको definition के terms में देखें, तो हम आई और बी और एच ये चीजें पढ़ चुके हैं. आई क्या था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि कोई मैग्नेटिक मेटल कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितने थे उसमें, उसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से रिप्रेजेंट करते थे. नेक्स्ट था कि वो मेटीरियल जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो क्या है यहाँ पे बी है. बिहाइंड एच, और एच क्या बताया था वहां पे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, की इस मेटल को मैग्नेटाइज करने के लिए हमने कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है इसको मैग्नेटाइज करने के लिए, वो क्या था, एच था. व्हेन ए स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मेटल इज सब्जेक्टेड टू ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी आई और बी का लैगिंग करना, पीछे रहना किससे, एच से, कब, जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस. कि ये जो आई और बी है ये बेसिकली लैगिंग बिहाइंड करते हैं, पीछे रहते हैं किससे, एच से. अब इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन में रहते हैं इसमें. इसमें मैंने बताया था आई और बी को हम लेते हैं डिसिप्लिन से, कि कोई पर्सन है वो कितना डिसिप्लिन है, और एच को हम यहाँ पे रिलेट करते हैं नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के. तो अगर मैं कहूं कि एच को हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब रूल एंड रेगुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, और वहां पे आई और बी होगा वो डिसिप्लिन होगा कि वो पर्सन है, पर्सन मतलब मैग्नेटिक मेटल जो है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है, यानी कितना आई और बी उसमें इंक्रीज हुआ है. ये हमने एक वीडियो बनाई थी सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ मैग्नेटिज्म, उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, उसी को यूज करते हैं. तो यहाँ पे एक कर्व होता है, जो कर्व बनेगा उसको ही क्या बोल देते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व बिटवीन एच एंड बी और आई. तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एच को लेते हैं, इस पे आप आई को भी ले सकते हो और बी को भी ले सकते हो, दोनों के बीच में. इसका लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन आएगा, वो समझाएंगे आई और बी में मामूली सा, अदरवाइज शेप जो होगी वो सेम रहेगी. यहां पे बात करते हैं एच की, मैग्नेटाइजिंग फोर्स. मैग्नेटाइजिंग फोर्स को मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल आपको मान के चलना है इसको समझने के लिए, क्या था, नंबर ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस, नंबर ऑफ रूल्स कह सकते हैं बेसिकली. और बी जो था वो है डिसिप्लिन, कि कैंडिडेट जो है वो कितना डिसिप्लिन हुआ है. अब यहां पे इसके साथ साथ एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, कि मैंने एक सोलेनोइड कंसिडर किया जिसमें करंट जो था वो आई है, ये सोलेनोइड है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई. अब जैसे जैसे मैं करंट को इंक्रीज करूंगा तो इसमें जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी, B इज इक्वल टू जो म्यू एच हम कह रहे थे, तो इसका मतलब यहां पे करंट को इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब H इंक्रीज होगा. और अगर इसके अंदर कोई भी मेटेरियल नहीं था, इसका मतलब एयर थी, लेकिन हमें तो इस मैग्नेटिक मेटल्स को क्या करना है, मैग्नेटाइज करना है. तो मैंने जिस मैग्नेटिक मेटल को मैग्नेटाइज करना है या जिसके ऊपर हमें एनालिसिस करना है कर्व का, वो मटेरियल मैंने प्लेस किया. अब जैसे ही ये मैग्नेटाइज होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहां पे हम किससे रिलेट कर रहे हैं, इसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आई इंक्रीज होगा तो एच भी इंक्रीज होगा, और एच इंक्रीज होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये मेटल उतना ही मैग्नेटाइज होगा या इतना ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा इसमें. तो इसका मतलब यहाँ पे करंट को इंक्रीज करना मतलब एच को इंक्रीज करना है. ये बी में कंफ्यूजन नहीं होना, बी किसकी है, इस मटेरियल की स्ट्रेंथ है, और आई क्या है, इस मटेरियल की ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है कि कितना मैग्नेटाइज हुआ है. जितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा उतना ही ज्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी. तो यहाँ पे इसको मैग्नेटाइज करने के लिए मैं यहाँ पे करंट में चेंज करूंगा. जैसे करंट में चेंज करेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज हो जाएगा एनआई, तो इसका मतलब एच इंक्रीज होगा. जितना ज्यादा एच इंक्रीज होगा ये मेटल उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा. अब इस मेटीरियल का ही ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, यही फिनोमेना हमें देखना है कि कितना
डिसिप्लिन है वो रूल रेगुलेशन के पीछे रहता है बेसिकली, बी जो है वो एच के कितना लैगिंग बिहाइंड करता है। तो देखते हैं इस चीज को। स्टार्टिंग में मैंने मान लिया कि जो मेटेरियल हमने प्लेस किया है दैट इज अनमैग्नेटाइज्ड, कि इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है कोई भी, तो इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से जीरो, कि हमने इसमें करंट की वैल्यू भी जीरो पुट कर रखी थी, करंट जब जीरो था तो एच भी जीरो होगा, और एच जीरो था तो ये मेटेरियल इनिशियली कोई भी डिसिप्लिन नहीं था, इसका मतलब ये जीरो था, कुछ भी नहीं पता था, ना रूल रेगुलेशन थे ना ही ये डिसिप्लिन था, दोनों ही टर्म जीरो थी, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से। अब जैसे जैसे हमने करंट इंक्रीज किया एच की वैल्यू इंक्रीज, एच मतलब रूल्स बढ़ने लगे, तो जैसे जैसे रूल्स बढ़ेंगे वो कैंडिडेट भी थोड़ा थोड़ा क्या होगा उसको फॉलो करना स्टार्ट करेगा, सभी को तो नहीं करता एक बार में लेकिन धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट करेगा, और उसी के साथ में उसके डिसिप्लिन नेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, दैट मीन्स बी भी इंक्रीज होगा, बी मतलब ये आई भी है साथ में। तो यहां पे जैसे ही करंट को इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जो होगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पास होगी, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल्स होंगे इस ब्लू के वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये जैसे जैसे रूल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे डिसिप्लिन इंक्रीज करता जा रहा है, करंट इंक्रीज सो एच इंक्रीजेस, और एच इंक्रीज होगा तो बी और आई ये भी क्या होगा इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, करंट है ये आई और ये आई जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, करंट को मैं आई डैश लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये टर्म्स थी, तो इसका मतलब यहां पे ग्राफ देखें तो एच इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब मैग्नेटिक मेटल भी मैग्नेटाइज होगा, बट वहां पे लीनियर कर्व नहीं आएगा, स्टार्टिंग में जैसे रूल आपने इंक्रीज किए 10 रूल बनाए तो कैंडिडेट है वो कम फॉलो कर रहा है, 5-6 ही फॉलो कर रहा है, फिर रूल आपने 12 कर दिए वो 8 फॉलो करने लग जाएगा, 15 किए वो 12 करने लग जाएगा, लेकिन जैसे जैसे एक स्ट्रेंथ आएगी कि वो जितने भी मैग्नेटिक डायपोल थे इसके अंदर वो सारे के सारे पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी सभी रूल को ओबे करने लग गया, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम एच को इंक्रीज करेंगे कैंडिडेट इक्वल अमाउंट में नहीं करेगा, वो क्या करेगा उस शेप में इंक्लूड करेगा, उसका मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता जाएगा और एक पर्टिकुलर स्टेज पे चला जाएगा। यहां से अगर मैं ओरिजिन की बात करूं ये ओ था, ये पॉइंट मैं नाम दे देता हूं ए, स्मॉल ए, यहां पे इस पॉइंट को ए पॉइंट को हम बोलेंगे सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, क्या नाम देंगे इसको सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, यानी उस मैग्नेटिक मेटेरियल में जितने भी डायपोल थे वो सभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब अगर मैं इसमें और ज्यादा इंक्रीज करूं मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, इसका मतलब उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, तो जितने भी डायपोल मोमेंट थे वो सभी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, उससे ज्यादा तो अलाइन नहीं हो सकते उस मैग्नेटिक मेटल में, यानी उससे ज्यादा वो उस चीज को फॉलो नहीं कर सकता, उससे ज्यादा वो डिसिप्लिन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रूल्स हम इंक्रीज करते जा रहे थे, डिसिप्लिन एक पर्टिकुलर स्टेज तक रहता है, इसका मतलब यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आता है, इसका मतलब इससे ज्यादा ये मेटल मैग्नेटाइज्ड नहीं हो सकता, भले ही आप एच की वैल्यू कितनी ही इंक्रीज कर दो, यहाँ ये ग्राफ जो होगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इससे ज्यादा ये कोई भी चीज नहीं हो सकती, एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट को क्या बोलते हैं कि वो मेटल जो है इससे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकता, तो ये मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन था जिसको हम क्या बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। अब काम करते हैं वापस, हम जो रूल रेगुलेशन थे उसको थोड़ा कम करना स्टार्ट करते हैं, तो कम करना स्टार्ट करेंगे तो डिसिप्लिन भी थोड़ा कम होता जाएगा, लेकिन अब की बार जो होगा जैसे एक एग्जांपल लें कि आर्मी में रूल रेगुलेशन लगे थे, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं पर्सन तो रूल रेगुलेशन तो कम हो जाते हैं, वो तो है नहीं कि पहले जैसे सर्विस में एक्टिव थे वैसे ही रूल रेगुलेशन, फिर भी वो उस चीज को फॉलो करते हैं, इसका मतलब उनकी लाइफ में अभी भी मैग्नेटिज्म बचा हुआ है बेसिकली। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं करंट की स्ट्रेंथ को कम करना स्टार्ट करूंगा, करंट को मैं डिक्रीज करना स्टार्ट करता हूं, तो एच भले ही डिक्रीज हो जाए कम होना स्टार्ट करेगा एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ पे बी और आई जो होगा वो कम तो होगा लेकिन नॉट इन सेम प्रपोर्शन। कि आपने करंट को कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड कम है, लेकिन जो डायपोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे वो बहुत कम डिस्टर्ब्ड होंगे, वो उसी लाइन में अलाइन रहने की कोशिश करेंगे, यानी उनका मैग्नेटिज्म अभी भी उतना ही बचेगा।
तो बहुत स्लोली क्या करेंगे ये डीमैग्नेटाइज्ड होना स्टार्ट करेंगे। तो हम इस एच को जो फोर्स था रूल रेगुलेशन कम कर रहे हैं तो डिसिप्लिन नेचर कम हो रहा है, लेकिन उतने रेशियो में कम नहीं होगा, बहुत स्लोली कम होगा। सेम जिस ग्राफ से ये गया था उस सेम पॉइंट से ये वापस डिक्रीज नहीं होता। जैसे आपको भी पता है आप स्कूल लाइफ में आते हो तो इसका मतलब स्टार्टिंग में रूल रेगुलेशन ज्यादा लगते हैं आपको, आप धीरे 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 बहुत मुश्किल से डिसिप्लिन होते हो, लेकिन जैसे स्कूल लाइफ से जाते हो तो इसका मतलब आप वापस जीरो नहीं हो जाते। रूल रेगुलेशन भले ही खत्म हो गए हो, आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन है, थोड़ा सा आप में मैच्योरिटी लेवल आ जाते हो, तो आप खुद ही उसको फॉलो करते हो, वापस सेम पाथ पे नहीं आते, जीरो पे। तो इसका मतलब डिसिप्लिन थोड़ा कम मानोगे, लेकिन मानोगे जरूर उस चीज को, रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तब भी। तो मैंने इस एच की वैल्यू को जो फोर्स आप पे लग रहा था मैग्नेटाइजिंग फोर्स, उसको कम करते गए, फिर भी आपके अंदर कुछ अभी मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है, दैट मीन्स डिसिप्लिन अभी भी बचा हुआ है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बी। यहां से और यहां तक एक्स एक्सिस तो जीरो है, लेकिन वाई एक्सिस की वैल्यू अभी बची हुई है। इस वैल्यू को ही, इस ओबी को ही हम क्या बोलते हैं, यहां ओ से और बी तक अगर देखेंगे तो इसका मतलब इसमें मैग्नेटिज्म ही तो था जो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस मेटल के अंदर कितना मैग्नेटिज्म है वो किस पे था, वाई एक्सिस पे। इसका मतलब ओ और बी को ही बोलते हैं रिटेंटिटी। क्या बोलते हैं, रिटेंटिटी, या दूसरा नाम जो होता है उसका वो होता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ये टर्म्स पूछी जाती हैं आपसे, व्हाट इज रिटेंटिटी और व्हाट इज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या व्हाट इज रेजिलेंस, इसका थर्ड नेम। तो इसका मतलब ओ से बी पॉइंट तक था। तो यहां पे अगर इसको डिफाइन करना पड़े तो कैसे डिफाइन करेंगे, नाम में भी सजेशन है रेजिडुअल, दैट मीन्स कुछ रिमेनिंग रह गया। तो यहां पे मैं कहूं द मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन द मैग्नेटिक मेटल, कि इस मैग्नेटिक मेटल में कितना मैग्नेटिज्म लेफ्ट रहा, बच गया व्हेन मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू जीरो। यानी आपने रूल रेगुलेशन जो थे वो जीरो कर दिए, फिर भी उसके अंदर कुछ डिसिप्लिन रह गया, वो डिसिप्लिन रहना जो बच गया उसी को क्या बोलते हैं, रिटेंटिटी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, उसी टर्म्स को बोला जाता था। यहां पे हम ओपी को क्या कहेंगे, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिटी। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहां पे रिटेंटिटी पूछा जाता है वन मार्क्स में। अब आपने रूल रेगुलेशन तो जीरो कर दिए, दैट मींस डिसिप्लिन अब भी बचा हुआ, उसके अंदर अभी भी मैग्नेटिज्म बचा हुआ है इन सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मुझे इस मेटल को वापस डीमैग्नेटाइज करना है, यानी वापस इस मेटल को जैसा स्टार्टिंग में था जीरो उसको लेके आना है। तो अब इसको डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं, अभी तो इसमें डायपोल जो बचे हुए हैं कुछ वो इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करूं तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी यहां पे पहले करंट इधर जा रहा था, अब करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो पहले अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो ऐसे जा रही थी पहले इनिशियली, तभी डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, लेकिन अब जो हो गया वो रिवर्स कर दिया हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है। तो इसका मतलब जो पहले का डायपोल मोमेंट था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होगा तो इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब पहले अगर आपको कहा जाए कि रूल जो है सच बोलना चाहिए या और कुछ है, नंबर ऑफ रूल्स की बात करें यानी एच की, अब मैं उसको तो जीरो कर चुका हूं और रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, तो रिवर्स में क्या करेंगे, उससे जस्ट अपोजिट, यानी आपको रूल रेगुलेशन नहीं, उसको और कैसे हम तोड़ सकते हैं उसके बारे में बताएं। तो इसका मतलब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको करंट को प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो पहले आपने इसको अलाइन किया था उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मटेरियल क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बिल्कुल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और यहां से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो एच तो था ही जीरो, अब एच जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट आ गया, तो ये तो नेगेटिव में चलना स्टार्ट हो जाएगा एच। तो ये जैसे जैसे नेगेटिव में जाएगा वो मटेरियल है वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और उसमें कितना मैग्नेटिज्म बचेगा, जीरो। यानी जो भी उसके अंदर डायपोल्स बचे हुए थे वो सारे डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। यानी उसके अंदर कोई भी अब डिसिप्लिन नहीं बचा, कोई भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे वो टर्म्स थे। इसका मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आई और बी जो था वो जीरो था। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया सी पॉइंट। यहाँ पे ओ से सी तक की बात करें तो ओ से सी तक, सी पॉइंट पे जब थे आप, तो इसका मतलब
वाई एक्सिस की वैल्यू तो जीरो है, इसका मतलब इसमें कोई मैग्नेटिज्म तो बचा नहीं है। दूसरा क्या है यहाँ पे कि इस ओरिजिन से इस पॉइंट पे जाते हैं तो नेगेटिव है, एच की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसको भी एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं कोरेसिविटी। ठीक है, ओ से सी तक इसको डिफाइन कराते हैं व्हाट इज कोरेसिविटी ऑफ मैग्नेटिक मेटल्स या व्हाट इज रिटेंटिविटी। हम पढ़ चुके हैं, कोरेसिविटी देखते हैं। कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिकम्स इक्वल टू जीरो, कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो मेटल डीमैग्नेटाइज हो गया, अपने आप तो नहीं हुआ, आपने रिवर्स डायरेक्शन में कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया है उस वैल्यू को, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो अपोजिट में कितना अप्लाई किया ताकि वो मैग्नेटिक मेटल डीमैग्नेटाइज्ड हो गया, तो रिवर्स डायरेक्शन में जो वैल्यू होगी एच की दैट इज कॉल्ड कोरेसिविटी। तो यहां पे हम डिफाइन कैसे करेंगे, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच वेयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिकम्स इक्वल टू जीरो और मैग्नेटिक मेटल्स बिकम्स डीमैग्नेटाइज इज कॉल्ड कोरेसिविटी। तो उसको क्या बोलेंगे, कोरेसिविटी। अब वापिस सेम केस, यहां तक दो डेफिनेशन ही आती है, दो ही आपको याद करनी है, इसमें मेन वही था डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, इस ग्राफ को वापस सेम पोजीशन पे ले जाते हैं जहां से स्टार्ट किया। अब मैंने रिवर्स डायरेक्शन में तो हो गया था जीरो, अब मैंने इसी डायरेक्शन में करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो इसमें डायपोल मोमेंट किधर अलाइन होना स्टार्ट कर देंगे हम इस डायरेक्शन में। धीरे धीरे जैसे हम करंट को रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं एच भी इंक्रीज होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एच को मैं रिवर्स डायरेक्शन में और इंक्रीज करता हूं तो एच की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मैक्सिमम जो होंगे डायपोल मोमेंट वो जितने थे वो इसी डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे, लेकिन पहले के कंपैरिजन में किधर थे, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए उससे जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे भी अगर मैं कहूं कि मैं इस करंट की स्ट्रेंथ को कम कर रहा हूं जो रिवर्स डायरेक्शन में था, तो करंट को जब कम करोगे तो ये मेटेरियल भी क्या होगा, धीरे धीरे कम मैग्नेटाइज होगा, ये कम मैग्नेटाइज होना स्टार्ट करेगा। ये जो टर्म्स बचेगी ओ से, अगर मैं कहूं कि सी ये पॉइंट हो गया, डी ये पॉइंट, ई बांध ले, तो ओ ई जो होगा वो सेम है रिटेंटिविटी, ये पहले जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अब मुझे इस डायरेक्शन को भी क्या करना है, जीरो, तो मैं इस करंट की डायरेक्शन को क्या करूंगा, जस्ट रिवर्स करूंगा। रिवर्स करेंगे तो अब ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करेंगे, कम होंगे तो नेगेटिव एच पहले के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, डीमैग्नेटाइज्ड होना स्टार्ट करेगा और ये एक पॉइंट पे आके ई और एफ बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये टर्म्स क्या हो जाएगी, अब बिल्कुल भी इस मेटल में कोई मैग्नेटिज्म नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो गया मैग्नेटिज्म, जीरो। तो ये टर्म्स बची, तो यहां से वापस अब इसी डायरेक्शन में अलाइन करोगे तो धीरे धीरे डायपोल मोमेंट पहले वाले डायरेक्शन में क्या होगा, अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से धीरे धीरे एच इंक्रीज करेंगे। तो ये ग्राफ जो था वो इस डायरेक्शन से आके यहां से रिवर्स होते हुए कहां पे पहुंच गया, वापस। तो ये एक लूप बन गई और इस लूप को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। दैट मींस किसी मेटल को मैग्नेटाइज करना एंड डीमैग्नेटाइज करना, जहां से स्टार्ट किया था मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया, फिर वापस मैग्नेटाइज किया, तो इसी लूप को क्या बोलते हैं, फिनोमेना को हिस्टेरेसिस बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आई और बी जो था वो मेटीरियल जो था वो किसके पीछे रहा, एच के, कि कितना उसे फील्ड मिली उसको फॉलो कर रहा था, जितने नंबर ऑफ रूल्स थे सिर्फ उसी को फॉलो करके क्या हो रहे थे, डिसिप्लिन में बन रहे थे। और ये जो डिसिप्लिन है वो लैगिंग बिहाइंड होता है किसके, रूल्स एंड रेगुलेशंस के। तो उसी कर्व को हमने रिप्रेजेंट किया फॉर ए मैग्नेटिक मेटल्स, और इसी कर्व को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं। इसमें दो टर्म्स आती हैं, इसको अच्छे से याद रखेंगे, रिटेंटिटी और दूसरी कोरेसिविटी। क्लियर हो गया पॉइंट, तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशन पूछी जाती है। अब इस कर्व का यूज क्या है, बेसिकली इस कर्व को हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये मटेरियल जो है वो हमें काफी चीजें बताता है कि कहीं पे हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिक बेल यूज करते हैं, लाउड स्पीकर्स यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज होती है, कहीं पे हैवी क्रेन्स जो होती है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे किसी हैवी लोड्स को पिकअप करती है। तो इसका मतलब वहां पे हमें सिलेक्शन चाहिए, जितना ज्यादा ये वाई एक्सिस बचेगा किसी मेटल के लिए तो इसका मतलब वो मटेरियल जो होगा वो उतना ही पावरफुल मैग्नेट बनेगा। और अगर मैं कहूं कि ये एक्स एक्सिस जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उस मेटल को उतना ही रिवर्स डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना पड़ेगा
डीमैग्नेटाइज करने के लिए। इसका मतलब जितना ज्यादा ये एक्स एक्सिस होगा इसका मतलब वो आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, और जितना ये वाई एक्सिस की वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा उसके अंदर मैग्नेटिज्म होगा, वो दूसरी चीजों को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट करेगा। जिसकी वाई एक्सिस की वैल्यू कम होगी इसका मतलब वो ज्यादा अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। जैसे हम कहीं पे मैग्नेट लेके आते हैं तो एक मैग्नेट तो है इतनी दूर की डिस्टेंस को ही अट्रैक्ट कर रहा है और एक मैग्नेट है वो यहां तक की चीजों को भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो रिटेंटिविटी है, जो दूर से अट्रैक्ट कर रहा है उसका वाई एक्सिस रिटेंटिविटी क्या मिलेगी ज्यादा। अब कुछ होते हैं मैग्नेट लेके आते हैं हमने कहीं पे रख दिया गलती से, जो स्ट्री मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स डायरेक्शन में लगते ही अगर कम वैल्यू हुई एक्स एक्सिस की कोरेसिविटी की तो जल्दी से क्या हो जाएगा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं जो परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे वो जल्दी से डीमैग्नेटाइज ना हो। तो हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें भी काफी सिलेक्शन ऑफ मेटल्स होते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर पे, तो उस मैग्नेटिक बिहेवियर को सेलेक्ट करने के लिए हमें उसके कर्व के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं IH कर्व या BH कर्व या सिंपल इसको हिस्टेरेसिस कर्व, जो हमें सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेटल्स में हेल्प करता है। देखते हैं इसके कुछ एक दो एग्जांपल क्या क्या होते हैं। तो देखते हैं आगे, मैंने दो कर्व बनाए हैं, दो डिफरेंट मेटल्स को मैंने मैग्नेटाइज किया और डीमैग्नेटाइज किया, तो उनका जो कर्व बना वो ये था। एक मैंने मेटल लिया सॉफ्ट आयरन का कि उसको जब मैग्नेटाइज किया डीमैग्नेटाइज किया तो रिलेशन जो आया बी और एच की वैल्यूज पे डिफरेंट जीरो से कितना गया ये सारी वैल्यूज। तो हमने ग्राफ जो रिप्रेजेंट किया जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये जो ग्राफ था वो किसके लिए था सॉफ्ट आयरन के लिए, और दूसरा हमने जब ग्राफ स्टील को लिया कि स्टील को मैग्नेटाइज किया डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश की तो स्टील के लिए ग्राफ था। इसका मतलब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, एक तो हमें एरिया में ही दिख रहा है, तो इसका मतलब जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है और वो क्या होता है एरिया, कि अगर मैं इसका एरिया कवर करूं कितना एरिया हुआ तो इसका मतलब वो भी एक स्पेशल चीज को सिग्निफाई करता है। जैसे मैं सिंपल सा कहूं कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे बी है और एक्स एक्सिस पे कितना है एच है, तो यहाँ पे जब बी और एच कहीं पे भी हम एरिया रिप्रेजेंट करते हैं कोई ग्राफ में तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई बाय वाई कोऑर्डिनेट करते हैं, तो बी एच जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा एरिया को। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिलेशन हमें पता है एच को कितना लिख सकते हैं बी अपॉन में म्यू, तो यहां से मैंने लिख दिया बी स्क्वेयर और ये म्यू है वो मेटीरियल के लिए है जो मेटेरियल हम यूज कर रहे हैं मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज में, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नोट इनटू में म्यू वन। जब इसकी यूनिट पुट करते हैं और यूनिट जो आती है वो कितनी आती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो एरिया होगा वो हमें एनर्जी के बारे में बताएगा, क्योंकि आप जब मेटल को मैग्नेटाइज कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायपोल अरेंज हुए यानी मूवमेंट हुई उनमें, जब आप रिवर्स में कर रहे थे डीमैग्नेटाइज करने के लिए तो उनको डिस्टर्ब किया, इसका मतलब मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट मतलब कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी में लॉस ही हुआ है, बेसिकली आप एनर्जी का लॉस कर रहे हो, रिकवरेबल तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये जो एनर्जी लॉस होता है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में वो क्या होता है एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। इसका जो एरिया होगा वो क्या करेगा कि आपने इतना मेटल लिया था तो पूरा टोटल लॉस नहीं बता रहा आपको, इसको अगर मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूं मैं कहूं कि ये एक यूनिट वॉल्यूम है तो इसके एक यूनिट वॉल्यूम के हिस्से में कितना एनर्जी का लॉस आया वो कौन बताएगा इसका एरिया ऑफ द पीएच का। अगर आईएच ले रहे हो तो सीजीएस सिस्टम में होता है और पीएच लेते हैं तो इसका मतलब वो किस में होता है एसआई सिस्टम में, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों, आईएच है वो सीजीएस सिस्टम में आएगा और बी और एच का ले रहे हो तो वो एसआई सिस्टम में एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल होगा कि आपने एक बार इसको मैग्नेटाइज किया एक बार डीमैग्नेटाइज किया तो इसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी का लॉस हुआ दैट विल रिफ्लेक्ट बाय द एरिया अंडर द बीएच का। तो यहाँ पे ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया का, ध्यान रखिए। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां पे लॉसेस ज्यादा होंगे और जिसका एरिया कम होगा उसके लॉसेस, एरिया ज्यादा होगा लॉसेस ज्यादा, एरिया कम होगा लॉसेस कम होंगे। अब ये तो एरिया की बात होगी, अब हमें कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं डायरेक्टली बिना कोई चेंज किए हुए, और वो क्या होती हैं कि हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं तो कहता है कि उसके पास में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, क्या आप देखते हो उस चीज में। तो हम क्या कहेंगे जब हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, जैसे कि सिंपल लाउड स्पीकर्स में हो गया, डिस्क में हो गया, कहीं पे कोई क्रेन सिस्टम में हम रखते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, तो इसका मतलब उसके पास में क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो पावरफुल होना चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा दूर से ही अट्रैक्ट कर ले, पावरफुली अट्रैक्ट करके रखे, छोड़ देना, तो इसका मतलब उसकी हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए। रिटेंटिविटी का मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू, आई और पी, तो उसकी हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए परमानेंट मैग्नेट्स की, तभी तो मानेंगे। अगर एक मैग्नेट लेके आया वो बहुत नजदीक से किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके रिटेंटिविटी कम है, तो पावरफुल नहीं रहा, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम नहीं आता। दूसरा हम देखें तो हाई कोरेसिविटी भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैग्नेट लेके आए और रात को गलती से मैंने अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ की फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया, तो अपोजिट में होते ही तो अगर कोरेसिविटी कम है तो जल्दी से क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब परमानेंट बनाना है तो जल्दी से क्या नहीं होना चाहिए, डीमैग्नेटाइज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हाई कोरेसिविटी यानी हाई एक्स एक्सिस पे भी होना चाहिए वैल्यूज की। तीसरा पॉइंट हाई परमेबिलिटी, उसके थ्रू आसानी से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होनी चाहिए। जब ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आसानी से क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी तभी तो मैग्नेटिक मेटल कहलाएगा, परमेबिलिटी हाई होगी। तो इसका मतलब ये तीन करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी भी मेटल को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें स्टील में दिख रहा है इसकी रिटेंटिविटी भले ही थोड़ी सी कम हो लेकिन कोरेसिविटी ज्यादा है। कोरेसिविटी ज्यादा कैसे दिख रही है यहाँ पे, ये जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। आपने इसको एक बार मैग्नेटिक मेटल बना दिया तो ये जल्दी से डीमैग्नेटाइज्ड नहीं होगा, तो इसलिए हम ज्यादा प्रीफर किसको करते हैं, स्टील को। जब आपने कोई स्पीकर का देखा होगा, लाउड स्पीकर का, वो मैग्नेट जो होता है वो किसका बना होता है, स्टील का बेसिकली। तो इसका मतलब हम स्टील को प्रीफर करते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ स्टील्स आप यूज कर सकते हो, उसमें थोड़ा एडवांसमेंट करने के लिए कोबाल्ट स्टील भी हो सकता है, कार्बन स्टील भी होता है। ये दो अलॉयज हैं, एलनिको आपको पता है, एल्युमिनियम निकल एंड कोबाल्ट, और ये टिकोनल, ये भी एक अलॉय है कोबाल्ट निकल एल्युमिनियम वगैरह के लिए, ठीक है, टंगस्टन कोबाल्ट निकल एंड एल्युमिनियम। तो ये अलॉयज हैं जो क्या यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, इनके पास में ये करेक्टरिस्टिक्स होती है। दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कई जगह इलेक्ट्रिक बेल आपने देखी होंगी, इलेक्ट्रिक बेल्स में करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब कई जगह में पावरफुल मैग्नेट्स की जरूरत पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ करंट, क्योंकि हम इनको चेंज कर सकते हैं, करंट कितना पास करना है, नंबर ऑफ लूप्स कितने बनानी है, तो इनकी वैल्यूज वेरी हो सकती हैं। ये कई क्रेन सिस्टम में भी यूज होते हैं, ठीक है, किसी चीज को लिफ्ट अप करने के लिए कि पकड़ा फिर करंट पास कर देते हैं, हाई मैग्नेट से वो उसको लिफ्ट अप करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में भी होता है। तो इनके पास किसी मेटल को मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना तो उसके पास क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, हाई परमेबिलिटी, क्या आसानी से उसके थ्रू ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करें तभी तो उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो हाई परमेबिलिटी होगी। लो कोरेसिविटी, लो कोरेसिविटी का मतलब वो जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाना चाहिए, जैसे हमने करंट को स्विच ऑफ किया वो डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, अदरवाइज उसमें भी मैग्नेटिक बिहेवियर रहा तो उस चीज से जिसको हम लिफ्ट अप कर रहे थे उसी के साथ में स्टक हो जाएगा, तो इसलिए लो कोरेसिविटी। और दूसरा लो रिटेंटिविटी, ये जो है वो फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लेते हैं हम एक छोटा सा कोई चीज को इसी मार्कर को लिफ्ट कर रहे हैं तो ज्यादा पावरफुल मैग्नेट की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई क्रेन सिस्टम में उठा रहे तो वहां पे ज्यादा है, तो रिटेंटिविटी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन वो यूज करते हैं। किसी के लिए 5 होता है, किसी के लिए 10 टेस्ला होगा, किसी के लिए 500 टेस्ला होगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब अभी यूज करके रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में लो कोरेसिविटी एंड लो रिटेंटिविटी, हाई परमेबिलिटी। इसके लिए मेटल कौन सा यूज करना है आपको जनरली वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। जनरली हम सॉफ्ट आयरन को प्रीफर कर देते हैं इसमें, लेकिन वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। लास्ट आता है ट्रांसफार्मर कोर। जब हम किसी ट्रांसफार्मर के पास से गुजरते हैं तो हमें एक अलग सी साउंड सुनाई देती है। इसका मतलब कुछ मेटल जो होते हैं वो एसी में अप्लाई होते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। जनरली एसी है वो अपनी साइकिल्स को चेंज करता रहता है, इसका मतलब कभी मैग्नेटाइज कभी डीमैग्नेटाइज करेगा उस मेटल को। तो इसका मतलब ऐसे मेटल जो लगातार इसमें रहने वाले हैं, कभी मैग्नेटाइज होंगे कभी डीमैग्नेटाइज होंगे, तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या होना चाहिए हमारी, एनर्जी लॉस। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो सबसे पहले हम किसको कम करने की कोशिश करेंगे, एनर्जी लॉस, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो कोर है जिसके ऊपर हम वायर को रैप करके रखते हैं, बाइंडिंग बनाते हैं, वो कोर किसकी बना है, क्योंकि वहां पे तो हर मोमेंट पे एसी जो होगा वो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो इसका मतलब वो कभी मैग्नेटाइज कभी डीमैग्नेटाइज होगा। तो सबसे पहला केस जो है वो हमारा किसका है, लो एनर्जी लॉस, कि एनर्जी का लॉस जो हो वो कम से कम रहे जब भी हम ट्रांसफार्मर कोर बनाएंगे। दूसरा ऐसा मेटल जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, ज्यादा,
क्योंकि हम फोर्थ यूनिट जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक एडे करंट आएगा कि सरफेस के ऊपर करंट है वो एस्टेब्लिश होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ऐसा मेटल यूज करें जिसके रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो सरफेस पे करंट क्या होगा, कम, लॉस और भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर को ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि इसका जो एरिया है वो एरिया क्या है, कम, और एरिया कम होगा तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा कंपेरेटिवली टू स्टील। तो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन को प्रीफर करते हैं मेकिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कोर। और भी यूज कर सकते हैं, मॉडिफाइड एलॉयज हैं जिसको बोलते हैं परम एलॉयज, आपको मिल सकता है कंपटीशन एग्जाम में। दूसरा होता है एमयू मेटल्स, ठीक है, ये भी एनर्जी लॉस, इनका भी ग्राफ काफी श्रिंक आता है, जिसमें 76% निकल होता है, 17% आयरन, 5% कॉपर एंड 2% क्रोमियम होता है। तीसरा होता है रेडियो मेटल्स, आप रेडियो मेटल्स भी यूज कर सकते हो इन मेकिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कोर्स। तो ये बेसिक था हिस्टेरेसिस कर्व का, जो हमें सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेटल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है इस ग्राफ के थ्रू कि कितने रिटेंटिविटी है, कोरेसिविटी है, परमेबिलिटी है, कितना लॉस होगा, कितना क्या होगा। तो ये सिलेक्शन ऑफ मेटल के लिए यूजफुल होता है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार आप रिवाइज करेंगे तो इसके आप मास्टर बन जाएंगे। थैंक यू।